फ्लाइट च मैनू मिलिया सीगा ये पोटैटो ना फिल किया सी, मतलब कि रोटी टाइप सी, बहुत ही ज़्यादा गर्म सीगा। एंड चलो हुण इहनू खा के वेखने आ किवें दा, वैसे तो स्वाद लग रहा सी, बाकी खा के पता लगेगा। पहली बाइट च तो मैनू थोड़ा जिहा लग्या बिकॉज़ इह स्पाइसी नहीं सी, बट बाद च जदों खाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो हूँ सैकेंड मील भी विखाई थोनू, सैकेंड मील से मैंने पूरी थाली आई सी, ब्रैड सी, बाकी आ जैम तो फ्रूट्स सिगे, योगर्ट सिगा फ्रूट्स वाला, बाकी फिर रोटी सी पोटैटो वाली, तो यह तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। कुछ राइस टाइप भी सिगे। तो उस तो बाद फिर असी म्यूनिक दे बहुत ज़्यादा नियर पहुँच गए, रस्ते तो मैं सौ ही गई सी। फिर हूँ लैंडिंग हो जा रही सी, फिर सिर्फ 23 मिनट रह गए सी लैंडिंग होने, तो बस वेट ही सी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी सी। हूँ यह लैंडिंग हो रही सी, लैंडिंग च इन्ना मज़ा नहीं आया मैनू, टेक ऑफ च बहुत ज़्यादा मज़ा आया सी। बस हो रही है लैंडिंग म्यूनिक च, लैंडिंग म्यूनिक जर्मनी च पैंदा, एंड इतों एप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स का रस्ता सी। तो फाइनली साडा एरोप्लेन लैंड कर गया, तो फाइनली असं म्यूनिक पहुँच चुके हैं। तो हूँ मैंने थोड़ा बहुत बाहर दिखा लगा। हूँ सारा कुछ हो चुके हैं डन, तो हूँ असं जा रहे हैं नीचे, तो जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, चेकिंग वगैरह हो चुकी है, तो हूँ असं जाके अपने गेट नंबर पर बैठेंगे। मेरा गेट नंबर है L, तो हूँ असं इतने जाके बैठ रहे हैं। हूँ मेरी हैगी है जर्मनी स्टे, वैसे मैं लगा सी कि 3 आवर्स ही है, बट मैं पता लगा कि 9 आवर्स की है। हूँ तो असं इतने खड़े हाँ, हूँ घूम रहे हैं कि किड्स एरिया, तो किड्स एरिया तो बाद एरोप्लेनस दिख रहे हैं, असी एक एरोप्लेन आए हैं। तो बहुत ही वधिया सी सर्विस, सब कुछ बहुत वधिया ही, फूड भी काफ़ी ज़्यादा वधिया सीगा, है ना, एवें नहीं कि बेकार सी कुछ भी, सारी फैसिलिटीज काफ़ी वधिया ही, जो भी थानू खाने चाहिए जस्ट ड्रिंक तो मंगवा लो, सब कुछ प्रोवाइड कर दे। एंड अगर तुम बीमार भी हो जाने वो भी थोड़ा हेल्प करे, कोई डरन की लोड़ नहीं है। वैसे भी थोड़े फ्रेंड्स बन जाते, बट मेरा अक्टूबर इनटेक सीगा, मेरे ना कोई स्टूडेंट आया नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट है वो भी सितंबर इनटेक वाले ने, बट साथ तो फिर भी बन ही गया। चलो हम असं कुछ खाने पीने फिर थोड़ा दिखा। हम असं लेते हैं 2 बर्गर ते 2 कोल्ड कॉफी, ये आईया ने 9 सेंट दियाँ, तो ये आए ने किन्ने डॉलर दे आए ने, 15 अमेरिकन डॉलर दे आए ने। तो हूँ असं इतने बैठे वेट कर रहे हैं क्योंकि साड़ी स्टे है, बट बहुत वधिया टाइम स्पेंड हो रहा, बिल्कुल औखा नहीं लग रहा कुछ भी। उन्होंने चक्या तो अं घूमी गई तो थक गई हूँ, फिर असं थक के इतने खाधा, तो अपने तो उत्थे इन्नी सस्ती कॉफ़ी तो बर्गर मिल जाते, इतने महंगे मिले आ। चलो कोई नहीं, भुख लगी सी फिर कुछ तो करना ही हूँ। तो एक्सपीरियंस वधिया जा रहा हूँ तक, बट जो मैं कली होंगी फिर मैं लगता कि नहीं वधिया टाइम स्पेंड होना ही, क्योंकि साथ की लोड़ बहुत जरूरी होंगी है। तो होर अगर तुम भी इतने आ रहे हो कैनेडा दे विच, तां बस अपना बोर्डिंग पास का ध्यान रखना कि एंड अपने बैग्स का, लगेज थोड़े उत्थे डिपॉजिट हो जाने हैं, तो बस तुम टिकट तो साडा पासपोर्ट होना चाहिए। और जिवें कहिंदे कि लिक्विड चीज़ तुसीं नहीं लैके आ सकते, छोटियां छोटियां लैके आ सकते हो, कुछ नहीं कहिंदे, स्कैन करते हैं बट लैके आ सकते हो 100 ml। उहदा स्वाद इन्ना गंदा सी ना बर्गर दा, असीं सारे अपने पैसे वेस्ट कर दिते। हुण इहनां नूं याद आया कि अपने को रोटी भी हैगी आ, तो हुण असीं रोटी खाण लगे हां, तो शुक्र है अज तो मम्मी की बड़ी याद आई, सच्ची रोना ही आ गया, इतने तो एयरपोर्ट से इन्नी स्ट्रगल अगे जाके की हो। चलो हम खाने आप रोटी, हाँ आलू की सब्जी है ना, चलो हमने खाने यही करो, अपनी रोटी लैके ही आया क्योंकि मैं पता सी कि लैके आ सकते, बट मैं क्या चलो रिस्क क्यों लेना है ना, मैं लगे कि फूड नहीं अलाउड होना अंदर, तो इतों ना बिल्कुल जितने भी थोड़े स्टे उतो बिल्कुल कुछ खाओ ना पियो ना, इन्नी गंदा टेस्ट होंगे ना, वॉमिट आ रही थी ना, घा फूस जहा खाना नहीं, फिर हूँ असी डिस्ट्रॉय किया सारा कुछ, रोटी ही लैके आयो नाल। ये सारे सैंपल्स लगे ने इतने नाल ही, तो हूँ असी कर जा रहे हैं सैंपल चेक, चेक की लैना कि इतों ला के बंदा चल जाए।
ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਸ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਡਿਓਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਟਰਾਈ ਚੀਕ ਬਣਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਸੀਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੀਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਦਿਉ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਆਵਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਊਨਿਕ ਟੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐਰੋਪਲੇਨ ਸਫ਼ਰ ਰੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਿੰਦੂ ਮੀਲ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਸੀ ਫਰੂਟ ਸੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਵਲ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਦਾ